अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रुपए जी, नजर डाले अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो ग्वार में हमने कल को 9700 के घरों में ग्वार गम को ट्रेड करते देखा था और 5600-5500 के घरों में ग्वार सीड को। आज देख रहे हैं कि हल्की सी बढ़त बनती नजर आई है, लेकिन लेवल्स भी कोई ज्यादा खास नहीं है। आपको क्या लगता है ग्वार में तेजी कब तक देखने को मिल पाएगी, जबकि हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा क्या लगभग आधा पिछले साल के मुकाबले आधा ही बताया जा रहा है और एक्सपोर्ट डिमांड भी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। देखिए, ग्वार में जो तेजी आई थी वो अब कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है और वापस से हमने एक अच्छी खासी करेक्शन आते हुए देखी है। अब निचले स्तरों पर एक बार फिर से संभल रहा है ग्वार। अगर देखिए 10,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली तेजी के अंदर जा सकता है। दिसंबर वायदा आज भी अच्छी खासी रैली दिखाई है इसने कल की गिरावट के बाद, तो आज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में तेजी बन सकती है और ग्वार में अब यहाँ से एक बार फिर से बाइंग इनिशिएट हो सकती है। इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से भी इसमें इन लेवल्स के ऊपर बाइंग किया जा सकता है। आगे चल के मुझे लगता है कि अगर अब ये 10,000 के ऊपर निकल गया दिसंबर वायदा तो फिर लंबी तेजी में जा सकता है, लेकिन वहीं नीचे में 9500 का लेवल है, अगर उसके नीचे सस्टेन होता है तो फिर गिरावट भी बढ़ सकती है। वहीं जनवरी वायदा की बात करें तो जनवरी वायदा में 9800 के नीचे अगर लुढ़कता है तो गिरावट ज्यादा आ सकती है और 10,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉजिटिव है। तो यानी कि इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज खरीदारी करके चला जा सकता है। ये लेवल्स हैं, अगर इन लेवल्स के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आती है तो वापस से पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है।